हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप सब तो जान ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर आपके बाल खूबसूरत ना हो तो फिर कितनी भी खूबसूरत कोई क्यों ना हो, बालों के बिना खूबसूरती बेकार है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके बाल झड़ते हों तो उसका झड़ना कैसे बंद करें। और फ्रेंड्स, ये आजमाया हुआ पुराना हमारी दादी नानी का नुस्खा है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ये 100% फ़ायदा करेगा, इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट या फिर नुकसान नहीं होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या करना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। तो हम आपको बताते हैं करना क्या होगा। फ्रेंड्स, उसके लिए हमें चाहिए सरसों का तेल। जी हाँ फ्रेंड्स, कच्ची घानी सरसों का तेल जो कि बहुत ही ज़्यादा प्योर होता है। पहले समय में हमारे दादी नानी अपने बालों में, फेस पे, स्किन के लिए, हर एक चीज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ सरसों का तेल ही इस्तेमाल करती थी और उन लोग के बाल कितने स्ट्रांग हुआ करते थे। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको बताएंगे इसका हमें इस्तेमाल कैसे करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एक कटोरी में सरसों का तेल ले लेना है, जितना कि हमें ज़रूरत हो। जैसे आपके बाल हो वैसे आप तेल ले लीजिए। उसके बाद में अपनी उंगलियों की सहायता से उंगलियों तेल में डुबा के उसके बाद अपने सेल्स पे, जड़ों पे उंगलियों से मसाज करिए हल्के हल्के हाथों पे। जहाँ पे आपके बाल कम है या फिर कोई दिक्कत है वहाँ पर आप उंगलियों से हल्का हल्का मसाज करिए। फ्रेंड्स, ऐसा काम हमें 2 हफ्ते करना है। 2 हफ्ते में हमें फ़र्क दिखेगा। लेकिन फ्रेंड्स, इसे आप बंद नहीं करोगे, रेगुलर करोगे, जिससे हमारे जड़ों में तेल जाए आराम से और हमारे नए बाल उगना स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इसको आप रेगुलरली इस्तेमाल करिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप लगाइए तेल को, उसके दूसरे दिन आप बाल धुल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस गर्मी में तेल लगाने में दिक्कत होगी लेकिन फ़ायदा भी होगा। आप चाहें जब से चाहें तब से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लगातार फ्रेंड्स, बीच में बंद मत करिएगा। बंद करने पर क्या होता है कि फिर से वही हाल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बंद मत करिए, आप लगातार करते रहिए। विश्वास करिए फ्रेंड्स, सिर्फ 2 हफ्ते आपको फ़र्क दिखने लगेगा, आपके जड़ों में नए बाल उगना स्टार्ट हो जाएंगे। इस नुस्खे को आजमाइए और फ़र्क दिखेगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, इस नुस्खे को आजमाने के बाद आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये फ़ायदा किया है या नहीं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में हमें बताइए। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए।